दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए ये जो साल है 2016 काफी अच्छा रहेगा और आप एंथुसिएज्म से भरपूर रहेंगे। आप गणेश की प्रेडिक्शन के हिसाब से ये जो साल है या कि एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है और आप काफी कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये साल आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस भी करेगा और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर जुपिटर का इफेक्ट बना रहेगा। जुपिटर का इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक्साइटमेंट को बरकरार रखेगा ये। अच्छा बिजनेस से रिलेटेड आपको फॉरेन ट्रिप के चांसेस भी मिल सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ भी ट्रिप प्लान करेंगे लेकिन विद इन कंट्री ही वो ट्रिप होगा। और सैटर्न की जो प्रेजेंस है आपके होरोस्कोप में यानी कि शनि की जो प्रेजेंस है आपके चार्ट में वो आपको वर्क के लिए इंटेंस रखेगा यानी कि वर्क से रिलेटेड आपकी जो इंटेंसिटी है वो इम्प्रूव होगी। लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लव और रिलेशनशिप के लिए आपके लिए जो साल है वो थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के लिए ट्रबलसम रहेगा और साल का जो पहला हिस्सा है दोस्तों साल की जो शुरुआती महीने हैं उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन लेटर हाफ जो पार्ट है उसमें आप अपने रिलेशनशिप में एनर्जी फील करेंगे और आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो स्ट्रांग होगा और एनरिच होगा। बस आपको बचना है नेगेटिव थॉट से दोस्तों, आपको नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर ओवर पावर बिल्कुल नहीं होने देना है। अच्छा जो लोग मैरिड हैं और अगर वो चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज के लिए, इस तरह की गुड न्यूज के लिए इस साल बहुत ही ऑस्पिशियस है। और अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो दोस्तों आपको एक और साल इंतजार करना होगा लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा। प्रोफेशन और फाइनेंस के लिए भी ये साल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप नया प्रोजेक्ट मिलने से पहले आपके जो पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं आप उनको निपटा लें दोस्तों। और अगर सेल्स से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट की प्रमोशन पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। अच्छा इस साल आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी सक्सेस की बनने वाली है दोस्तों। अगर आप जॉब में हैं तो भी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये साल आपके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा साबित होने वाला है और अगर आप हायर स्टडीज के लिए या स्पेसिफाइड जोन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। और ज्यादा अच्छा रहेगा या ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप अपने करियर में सही पाथ चूज करने के लिए किसी काउंसलर से कंसल्ट करें, कुछ काउंसलिंग अटेंड करें। जहाँ तक फैमिली और सोशल लाइफ का सवाल है तो आज गणेश की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये साल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी फैमिली से, अपने स्पाउस से पूरा सपोर्ट मिलेगा और दोस्तों वो आपको बहुत एडमायर करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके टच में रहेंगे लेकिन आपको नए फ्रेंड्स बनाते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ साथ अपनी फैमिली की नीड को भी ध्यान में रखना होगा दोस्तों। आप उनकी रेस्पेक्ट करें और आप उनको भरपूर प्यार दें और आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत प्यार वापस मिलने वाला है और आपके लिए फायदेमंद भी है ये। ट्रेवल की बात करते हैं तो ट्रेवल के लिए ये साल है, ये ट्रिप का ईयर है दोस्तों आपके लिए। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के सिलसिले में आपको अब्रॉड ट्रिप के लिए भी चांसेस मिल सकते हैं।
जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं जिनकी अभी शादी हुई है वो फॉरेन कंट्री में रोमांटिक मूवमेंट स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ भी आपके शॉर्ट ट्रिप्स बनते रहेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड जाकर अपने करियर के लिए प्लान कर रहे हैं, माइट भी कि वो अपने प्लान में सक्सीड ना हो, लेकिन फिलहाल बेस्ट यही है कि आप अपने होम कंट्री में रहकर स्टडी करें और स्टडीज के बाद आपको अब्रॉड जाने की काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ओवरऑल देखा जाए तो इस साल ट्रेवल के मामले में तो काफी अच्छा रहने वाला है। हेल्थ की बात करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस साल दोस्तों, क्योंकि आपकी हेल्थ इस साल थोड़ा सा इफेक्ट हो सकती है। आप लेट नाइट पार्टीज एंजॉय करें लेकिन एल्कोहल आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा और इससे आपको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं। तो दोस्तों इट इज एडवाइजेबल कि आप वर्क प्रेशर में अब ज्यादा ना आए, वर्क प्रेशर के बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि आपकी सेहत के ऊपर इससे फर्क पड़ने वाला है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट रखें अपने आसपास, उन लोगों के पास रहें जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हो, और वर्क प्लेस पर आप हेल्दी और एनरिच एनवायरमेंट आप क्रिएट करने का ट्राई करें। जुलाई का जो महीना है, जुलाई का जो मंथ है, उसमें आपकी हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, तो जैसा कि कोई बात नहीं है, आप अपने लव्ड वंस के साथ फन एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक हो गया, आउटडोर एक्टिविटीज हो गया, आप इस तरह की ट्रिप्स भी आप एंजॉय करेंगे और अपने माइंड और सोल को आप रिलैक्स करें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे।